हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्विच लीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेयर ग्रिल्स को। यस, नहीं वो रियल वाला डॉक्यूमेंट्री वाला बेयर ग्रिल्स नहीं, ठीक है, शो वाला बेयर ग्रिल्स नहीं। आज हम देखने वाले हैं उससे भी लेवल अप वाले बेयर ग्रिल्स को। यस, मैन वर्सेस वाइल्ड एपिसोड 1, द आदिवासी एडवेंचर पूरव झा। ओके, तो बेयर ग्रिल्स के रूप में आज हमें पूरव झा नजर आने वाले हैं। भाई ये बंदा जिस कैरेक्टर को करता है ना, उसे निगल जाता है, कसम से निगल जाता है। तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कितना अडाप्ट किया है अपने आप को बेयर ग्रिल्स के रूप में। ओके, सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल। मैं बेयर ग्रिल्स हूं। अपनी जिंदगी को मैंने बहुत कुछ दिया और बदले में आज उसने मेरी ही मार ली। पर क्लॉडिया, तुम मुझसे ब्रेकअप करना क्यों चाहती हो? क्योंकि तुम गंजे हो रहे हो बियर। पहले तुम डैडी लगते थे, अब तुम पापा लगते हो। कितनी बार तुमसे बोला हेयर ट्रांसप्लांट करा लो, पर तुम दोनों में वैसे अंतर क्या है? डैडी और पापा टेक्नोलॉजी की मदद, नेचर के पास हर चीज का इलाज है। नहीं, एब्सोल्युटली के पास हर चीज का इलाज होता है। दूसरी बात, मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है। हां ये बोलना, बाल है उसके, उफ। वैसे भी बियर, मुझसे वापस आने की उम्मीद मत रखना। वापस बुला कौन रहा है तुम्हें? वैसे भी बियर ड्यूटी थाली पे मुंह नहीं मारता। मैं बाल उगाऊंगा और नेचर की मदद से उगाऊंगा ताकि तुम्हारे एटीट्यूड पर मूझ सकूं। हमने तने दिल दिया था। तने दिल की भेंट चो। बियर, तुम हरियाणवी कब से बोलने लगे? क्योंकि बियर ग्रिल्स भी जाट है। रियली? वैसे ये एपिसोड 1 है, इसका मतलब आज भी आने वाले हैं। दुनिया की खतरनाक जगहों पर जाकर अपनी बहादुरी का परचम लहराने वाला ये शेर आज एक मादा से गांड पर लात खाकर आया है। और अब ये जख्मी शेर आ पहुंचा है मैसूर के घने जंगलों में अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने अपने दोस्त बिंदु के साथ। तो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं घने जंगलों में जहाँ का तकरीबन तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है। तो बिंदु, जिस चमत्कारी आदिवासी तेल की खोज में हम लोग निकले हैं, क्या उससे मेरे बालों का पुनर्जन्म हो पाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तेल में भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, जिससे बियर के सिर पर भालू जैसे घने बाल आएंगे। अमेरिका के अनिल कपूर बनने वाले हो तुम। यानी मैं क्लॉडिया को उसकी औकात दिखा पाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, देखो गलत बात। इस जंगल में वैसे भी बहुत जहरीले पौधे हैं, तुम अपने मुंह से और जहर मत उगलो बियर, भूल जाओ क्लॉडिया को, मूव ऑन। वो तेरी मासी की बेटी नहीं है, मैं जो चाहे उसे बोल सकता हूँ, और मेरा मन करेगा तो मैं तेरी गांठ भी तोड़ सकता हूँ। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारी जर्नी में आ सकती है। वो ये है कि मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ अपनी इस जर्नी में, बहुत देशों में घूमा हूँ, तो मेरे अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है जिसका नाम है MLD। MLD का मतलब है मल्टीपल लैंग्वेज डिसऑर्डर। मेरे अंदर से कब कौन सी लैंग्वेज निकल जाए खुद मुझे भी नहीं पता होता। वाओ, कौन सी लैंग्वेज निकल जाए मतलब? ओ दादा, मतलब ये अभी आमी बंगाली आछे, पर दादा आई डोंट नो व्हाट लैंग्वेज विल कम नेक्स्ट। तो आ गल अबीर जी, आ जेडी छोटी सी प्रॉब्लम है जी, बाकी सब चंगा है, चलो अब छेती छेती तेल ढूंढेंगे, चलो। बियर ग्रिल्स हिंदी में गाली दे रहा है। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, पर अभी हमें उस नदी के पार जाना है क्योंकि वहां तापमान भी कम है और हरियाली भी ज्यादा है। पर तबीयत खराब हो रही है, क्यों बिंदु जी? जनाब, तबीयत तो थोड़ी नासाज लग रही है, पर कोई बात नहीं, बस 2-3 घंटे का गेम और बचा है। सो लेट्स डू इट, लेट्स डू इट माय सन, वी डोंट हैव ऑल डे, वी हैव टू डू इट, डोंट बी अ पुसी, कम ऑन। ये मिक्स ब्रीड का कुत्ता मेरे मत्थे के साथ डॉगी स्टाइल कर रहा है, बट कोई बात नहीं। मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इस जंगल में आना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है, यहाँ हर कदम पे मौत का खतरा है। वो पीछे छोटी चीजें, आप Someone is there, जान जा सकती है, एक गलती और आपकी जान खतरे। भैया, ये ऑर्डर है किसी ग्रिल्ड बुर के नाम से, जानते हो? बियर ग्रिल्स चूतिए। अच्छा तुम ही हो क्या? अरे यार, ये फटाफट इस पे साइन मारो, इधर फ्री करो।
क्या बात है, कुरियर सर्विस आ गई यहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आना आम आदमी के बस की। जंगली मक्खी, पर इसका स्वाद काफी कड़वा है। तो क्यों खा लिया बेवकूफ? पानी का बहाव काफी तेज है, पर मुझे कैसे भी इस बहाव को चीरते हुए उस पार पहुंचना पड़ेगा, उस तेल तक पहुंचना पड़ेगा। और उस तेल को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे वहां के रहने वाले आदिवासी लोग। जी हाँ, पिछले 3 घंटे से इस गहरे पानी में मैं और बिंदु गहरा तैर रहे हैं। बिंदु, क्या डूड, हम सरफेस देख सकते हैं, इस दिस गहरा लगता है बिंदु डूब गया है गाइस। शट अप, क्या एड़े चाली चालू है रे तेरा, ओवर एक्टिंग का बड़ा मराठी। इधर मैं लोला बोट सर्विस से भाऊ को बुलाया है, खड़ा चुपचाप चूतिया। पूरे मोमेंट की मां बहन कर दी बिंदु, उसके शर्ट तक में पानी भर गया। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं मोगली हूँ, मेरे चड्डी में फूल भी खिला है, क्या तुम देखना चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल गधा हूँ का यार, बिहारी। चलो चलो, आदिवासियों से मिलना है। यस, ओह शिट, ये रास्ते काफी टफ हैं, शायद मेरे पाँव में कांटा लग चुका है। उस नदी ने मेरे को बिल्कुल वेट कर दिया, काश मैं उस नदी की तरह होता तो आज मेरी बंदी भी मुझसे बहुत खुश होती। बट थैंक्स टू यू बिंदु कि तुमने मेरे कपड़े चेंज करवा दिए, नहीं तो गीले कपड़ों में मुझे इन्फेक्शन हो सकता था। उरी बाबा, दादा दादा, जल दिया जल दिया। बंगाली मोड ऑन। अबे खबीरे, 24 कैरेट आदिवासी, चल उन्होंने पूछ देने तेरे तेल का रास्ता किथे आ। चको जाओ, रुक जाओ बिंदु, रुक जाओ, संभल के, ये आदिवासी हैं, अगर हम इनके पास जाएंगे तो ये घबरा कर हम पर हमला भी कर सकते हैं। देखो बिंदु पीछे, देखा तुमने ये लोग कितनी शांति में रहते हैं, क्योंकि इन्हें शांति में रहना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अभी पता चलेगा, रुक जाओ। हर कदम सूझबूझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने जरा सा भी शोर किया तो वो बहुत तकलीफ में आ सकता है। जिंगा लाला, हु, हु, जिंगा लाला, हु, हु, जिंगा लाला। दारू की बोतल लेके जिंगा लाला कर रहा है। हाँ यार, ये तो दूरदर्शन की पैकेजिंग में नेटफ्लिक्स का शो चल रहा है। सही कहा बिंदु। वैसे बिंदु, तुम्हें आदिवासी भाषा आती है? वाह, सुपर्ब, हमला भी कर सकता है। सुपर्ब, बहुत आराम से, पहले तुम मरो बिंदु, पहले तुम मरो। समझौता करने आए। अबे गान के अंदर हिंदी आती है मुझे। दिल्ली से हूँ मैं, स्ट्रेट फ्रॉम पीतमपुरा। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, सिटी लाइफ से ना मन उब गया था मेरा, सोचा घूमते फिरते फिर इधर आ गया। हाँ, दिल्ली वाले यही करते हैं, अपनी दिल्ली तो नाश किए ही पड़े हैं, सारे हिल स्टेशन की माँ बहन कर दी है। मजा आ जाता है, बस कभी कभार मोमोज की याद आ जाती है। लेकिन तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक्चुअली हम यहाँ एक मिशन के लिए आए हैं। यस, यू लुकिंग माय मेन हेयर, ही सफरिंग फ्रॉम गांजापन, ही नीड्स दैट मैजिकल ऑयल, दैट आदिवासी ऑयल, डू यू नो वेयर इट इज? ये शेक क्यों बन गया? अरे उसे बनाने के लिए तुम्हें जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी पड़ेंगी, और उसमें तुम्हारी मदद हक्की पिकी कम्युनिटी के लोग ही कर सकते हैं। आ जाओ, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ उनसे, आ जाओ। थैंक यू, क्या बात है, थैंक यू जंगली, थैंक यू जंगली, गुड मैन। आ जाओ मेरे पीछे आओ। अरे आराम से, आराम से, सॉरी मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया हूं। आ जाओ आ जाओ, इधर इधर से, इधर से। अरे वो रे हक्की पिकी कम्युनिटी के लोग, ये तुम्हारी मदद करेंगे, आ जाओ। हक्की पिकी, हक्की पिकी। गाइस दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी हक्की पिकी कम्युनिटी के लोग, जो कि सालों से ये चमत्कारी तेल बना रहे हैं, और आज ये हमारी मदद करेंगे उन चमत्कारी तेल की सामग्री ढूंढने में। क्यों, आप करोगे ना हमारी मदद? अरे पागल हो क्या, हम क्या करेंगे? करोगे ना हमारी मदद? अरे सर 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 सर, एक मिनट एक मिनट, आ जाओ आ जाओ, हम जड़ी बूटी तोड़ने के लिए आए हैं, आ जाओ आ जाओ, यही है। प्लीज प्लीज। तो हक्की पिक्की के मेरे दोस्तों के साथ मैं निकल पड़ा जड़ी बूटियों का खजाना ढूंढने।
जिसमें पहले ब्रह्मी को इकट्ठा करने के बाद हमने ब्रिंगराज को इकट्ठा किया, जो मेरी अर्थी पर पड़े बालों को जलने से पहले जीवन दान दे देगा। दोस्तों, लोगों के गांड की खुजली का कोई इलाज नहीं है, पर बालों की खुजली के लिए मैंने इकट्ठा किया थोड़ा मुलेठी। इस जड़ी बूटी का नाम था दीवानी तंबूरी, जो दो मुहे बालों का इलाज करती है। काश ये दो मुहे इंसानों का भी इलाज करती तो आज उस क्लॉडिया के मुंह में डाल देता। इसकी क्लॉडिया वाली ऑब्सेशन नहीं जा रही। ये जड़ी बूटी दोस्तों, अपने अगले पड़ाव पर हमने नीलांबरी इकट्ठा करी, जो बालों को लंबा करती है। मैंने ग्रेट यार, सारे इंग्रेडिएंट्स भी दिखा रहे हैं, पर वो सौदा लंबा नहीं हो पाया दोस्तों, उल्टा रैशेज और पड़ गए। आप ये मत करना, ये सिर्फ बालों के लिए है। उसके बाद हमने जंगली करी पत्ता, जंगल की तुलसी, बालंबरी और अम्ब्रेलो जैसी जड़ी बूटियां तोड़ने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट ब्रिंगराज की जड़ी बूटी पर जा पहुंचे। ये बालों को एक नई जान देता है, जैसे उसने मुझे दी थी, बस ये उसकी तरह बेवफा नहीं निकलेगी। ऐसे ही कुछ और जड़ी बूटियां तोड़ने के बाद मैं खुद को तुर्रम खान समझ के निकल पड़ा अकेले जड़ी बूटियां तोड़ने। और मेरी हरकतें देखकर मेरे दोस्त ने मुझे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां सुनी और बोला कि झांट के बाल सी बुद्धि लेकर करली बाल वाला एटीट्यूड मत रख, साथ रहकर सही जड़ी बूटियां तोड़। सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करने के बाद हम जा पहुंचे अपने अगले पड़ाव पर। That's so beautiful. तो दोस्तों, अभी का तापमान तकरीबन 21 या 22 डिग्री सेल्सियस है। हमारे दोस्त जड़ी बूटियों की तलाश में, पीछे बिंदु क्या कर रहा है, की तलाश करेंगे क्योंकि अभी पूरा दिन बाकी है। हमें दादा, दादा क्या हुआ बिंदु? कोई तलाश नहीं करनी दादा, हमको मालूम था तुम ही हंग्री हो जाबे, इसलिए शिकार करें। हम ब्रेड खाएगा दादा। आई केयर फॉर यू दादा, मैं ब्रेड लेके आया जेब में भर के। क्या बात है बिंदु, बिंदु काफी स्मार्ट है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जंगल में ब्रेड कैसे खाया जाता है। फटाफट ही दादा, पहले हम ब्रेड को चारों तरफ से देख लेंगे ताकि इसमें कोई कमी ना हो, और उसके बाद हम इसे फेंक देंगे ताकि जंगली जानवर इसे खा के स्वस्थ रहे, और हम ढूंढेंगे ब्रेड खा के स्वस्थ रहे मगरमच्छ के अंडे और की खाल। ठीक और छोबो, बिल्कुल चूतिया लगाता है, क्या करते हो तुम्ही? टांडो गाली तो एक लैंग्वेज में देखे जा, चूतिया। तो दोस्तों, अभी हम तलाश करेंगे मगरमच्छ की खाल, क्योंकि वो मेरा पौष्टिक आहार है। मगरमच्छ की खाल करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही इस बीहड़ जंगल में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। ये क्या है? बॉडी। जंगली हाथी का फ्रेश मल है और इसका स्वाद वाकई लाजवाब है। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं इसको पूरा रखने वाला हूँ, इसे खा के मैं थोड़ी देर सोऊंगा, जब तक ये भगवान जड़ी-बूटी का जुगाड़ कर रहे हैं तब तक मैं ये खा के सोऊंगा। सोऊंगा दोस्तों, पता नहीं बिंदु, थोड़ी थोड़ी गांड फटनी शुरू हो चुकी है। अरे मेरे दोस्त आ जाओ, मैं तुम अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। बिंदु, ये आदिवासी लोग हैं, ये बिल्कुल भी मिलनसार नहीं होते, ये हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। भाई पीछे उन उधर उधर व्हाट्सएप पर, मेरे पिताजी का कहना है कि व्हाट्सएप पर सब कुछ सच आता है। पीछे जो लोग हैं उनके बाल। बिंदु हमला हो गया, बिंदु शिट। वो लोग भी इनके साथ इस पूरे एक्ट में शामिल हैं। दे आर सो गुड यार, सो गुड। अरे डरो मत, अरे डरो मत, ये तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं, डरो मत, आओ। ऐसे डांट दिया। क्या बात है, शायद से ये लोग गुजरात से हैं, मैंने ये गेम बहुत खेला है। ए!
जोगीरा 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 हा 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 ये क्या है? गिफ्ट हाँ मेरे लिए हाँ थैंक यू सो मच ये लोग तो बस दिखते खतरनाक है बट अंदर से बहुत ही क्यूटी पूकी हैं हाँ क्यूटी पूकी अरे सर चलो तेल बनाते हैं बिल्कुल वही करने तो आए हैं बिंदु चलो तेल बनाने बाय बाय भी कोई टाइम है मेरे कच्चे में हाथ डालने मेरे को भी मत छोड़ो प्लीज प्लीज बिंदु मेरा माल लेके एक मिनट बिंदु इज नॉट तुम्हें रोकना ही पड़ेगा तुम्हारा बिंदु यहाँ पे नहीं है What happened? किसी के नाक पे कोई काट ले तो वो फाइन कैसे हो सकता है? Don't panic. We'll think something. Bindu, if you are my good friend, please help me out. How? Affected जगह पे चूस के जहर निकालना पड़ेगा. तो मेरा चूस है पागल है क्या? तुम्हारा नहीं Bindu. ओए, चवन्नी मेरी बात सुन. तेरे गफ्फार में भेजाऊंगा 400 रुपए में बकवास मत कर मैं आगे. यानी तुम मेरी मदद नहीं करोगे गलती मेरी ही थी मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा बिंदु अब क्या होगा ओ यार अब मैं उस चमत्कारी तेल का कमाल नहीं देख पाऊंगा अपने सर पे मैं मर जाऊंगा ओ बेचोत ओ मेरे को वेस्ट दिल्ली नहीं घूमना चाहिए था यार मेरी लैंग्वेज तीखी और दिल बड़ा हो गया वहां घूम के अब क्या हो गया बड़े कमाल की बात है जिस सांप ने मुझे काटा था वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं है मेरा काम डेटॉल से भी हो सकता था पर चुसले के लिए शुक्रिया बिंदु चलो इसे खाते हैं लाजवाब लग रहा है देखने में लाजवाब तुम्हारे भी बम्बू कर देगा वो तेल लगा दे रे सर पे तेल लगा दे रे लंबे लंबे बाल उगा दे तेल लगा दे रे ऑलरेडी यू हैव सो मच हेयर अरे ये थोड़ी जलेबी है 3 घंटा लगता है इसको बनाने में क्या 3 घंटे मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता बिंदु मुझे मेरा तेल अभी चाहिए कुछ करो तेल चाहिए तो चलो ना मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है इस तेल का यस मेरे पास स्टॉक है चाहिए तो आप वेबसाइट से ले लो हमारे नंबर पे ले लो मतलब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं तो मैं ये जंगल पार ये नदियां पार करके क्यों आया अरे यार तो हम रोज करते हैं आपको सिर्फ तेल लेना है ना वेबसाइट पे लो नंबर देख के लो पागल हो क्या आप तेरे चक्कर में हुआ अच्छा एक मिनट जंगल घूमने का शौक किसे था असली है इसका सबूत क्या है आपके पास चलो मेरे साथ आपको प्रूफ दिखाता हूँ सबूत दिखाता हूँ चलो चलते हैं अभी पता लगेगा असली है कि नकली चलो सर आपको दिखाता हूँ आओ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए हमारे तेल का कमाल वाव क्या बाल है बिंदु मन कर रहा है मैं इसे अपनी पत्नी बना लूं नहीं नहीं प्लीज पहले शक्ल देख लो सॉरी मेरे साथ फिर से धोखा हुआ है बिंदु फिर से धोखा हुआ है बट आपके बाल बहुत अच्छे हैं तो सर ये जो बाल है इन लोगों के ये सारे असली बाल हैं असली बाल है सर क्या बात है प्लीज प्लीज मुझे ये ऑयल सौंप दीजिए सर और मुझे ये भी बताइए कि इस ऑयल को मैं कब तक लगाऊं कि मेरे भी इतने घने बाल हो जाएं 3 महीना लगाओ बस 3 महीने चाइला इतना मगजमारी करके इधर काहे को आए फिर Amazon Flipkart से ऑर्डर कर लेते ना भाऊ सर Amazon पे ही स्कैम हो रहा है 499 599 वाला है ना वो आदिवासी लोग का तेल नहीं है वो सिर्फ पानी आता है आपको
आदिवासी लोग का तेल है, आधा लीटर ही मिलेगा आपको। जो आदिवासी लोग का तेल लेना है ना, हमारा जो नंबर है बोर्ड पे दिख रहा है, वो नंबर पे कॉल करो, वेबसाइट लिंक देते हैं हमको, वो देंगे आपको, उस पे ऑर्डर करो, आदिवासी लोग का तेल आएगा। अच्छा, क्या बात है। तो इस तेल के फायदे क्या है? सर, ये झड़ने टूटने वाला बाल है ना, उसको रुकावट करता है, घना लंबा मजबूत करके डैंड्रफ हटाता है। जो आपको एक साल से दो साल से बाल का परेशानी रहता है ना, उसको क्लियर करता है, तीन महीने में आपको अच्छा रिजल्ट देता है। क्या बात है। तो आपका तेल अगर कोई खरीदता है तो उनको कैसे पता लगेगा कि ये ओरिजिनल है या ऑथेंटिक है, कैसे? सर, हमारा जो प्रोडक्ट है ना, ये लाइसेंस वाला है। जो आप हमको फोन करेंगे, आपको वेबसाइट पे लेंगे, आपको लाइसेंस नंबर मिलेगा, ठीक है? अच्छा, मानिए कल को ये जो बिंदु है ये बिल्कुल सफाचट गंजा हो जाए तो इसके सर पे बाल आएंगे ये तेल लगा के? नहीं आएगा सर, क्योंकि हथेली जैसा जो बाल हो जाता है आपका सर का, वहीं पे ये तेल काम नहीं करेगा। जो रुई रुई जैसा बाल रहता है ना, रुई रुई जैसा जो थोड़ा थोड़ा बचा है, उसको बचाना है, वो तेल बाल को ये तेल काम करेगा अच्छी तरीके से। जो पूरी तरीके से गंजापन हो चुका है, हथेली जैसा हो चुका है आपका बाल, वो उस पे ये तेल काम नहीं करेगा। अच्छा सर, एक पर्सनल क्वेश्चन है, अगर कल को मैं बाप बन जाता हूँ और छोटा बियर आता है तो मेरी बीवी ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में बाल झड़ते हैं महिलाओं के, तो ये तेल उसमें भी हेल्प करेगा क्या? मेरी बीवी के बाल सुरक्षित रहेंगे? जी जी जी, जो प्रेगनेंसी में मेन है लेडीज के लिए, प्रेगनेंसी आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, बाल बहुत झड़ते हैं। ये तेल यूज करने से, इसमें कोई तरीके के केमिकल नहीं रहता है, कोई तरीके का मेडिसिन नहीं रहता है, ये प्योर ऑर्गेनिक होता है। आपने देखा होगा प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वही है। प्रेगनेंसी भी, प्रेग्नेंट लेडी भी यूज कर सकते हैं और आफ्टर प्रेग्नेंट लेडी भी यूज कर सकते हैं आराम से। क्या बात है सर। वैसे इन सभी के बाल यही तेल लगा के घने हुए हैं? जी, यही तेल लगा के घना हुआ है। ये देखो, मैडम का चार लोगों का भी साल का बाल है, एक साल का बाल है। क्या बात है। जेंट्स का भी देखो, ये भी एक साल से लगा रहे हैं, तीन महीने से लगा रहे हैं। बहुत खूब, क्या बात है, ये तेल तो कमाल का है सर। क्या मैं ये तेल ले जाऊं? क्या मैं ले जाऊं? मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं तो लेके जा रहा हूं। अरे भाई, पैसे पैसे। तो बिंदु, मिशन पूरा करके तुम्हें कैसा लग रहा है? आई एम वेरी हैप्पी दादा। अब क्लॉडिया को उसकी औकात दिखाऊंगा, जब मैन बन बना के बाहर निकलूंगा तो उसके खानदान की पूरी कच्ची गीली हो जाएगी। भैया, हम कह रहे थे कि एक फोटो हो जाए मिशन का। हाँ जरूर, मैं लेता हूँ। अरे बहनचोद, लीजिए लीजिए, ब्लर मार दीजिएगा। भैया भैया, ये पूरा पीछे ब्लर मार दीजिएगा। हाँ, एक बढ़िया सा पोज दो यार। ये क्या पोज है? You are looking very nice. बहुत खूब आ रही है। मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है। क्या सुंदर बाल हैं उसके, उफ। भूल जाओ क्लॉडिया को, मूव ऑन। क्यों गया भी? और बाल भी हैं बिंदु के। फोटो खींच। और की कर रहा है? गलत बात। दोस्त की बंदी। मेरी गाल सुन। दोस्त की बंदी। माँ के लड़े। भैया, दादा, भैया, तेरी माँ की। Oh my God, oh my goodness, oh my goodness. Thanks for watching. Yes. Wow. यार, उन सच में उन आदिवासियों के बाल देख के ना ऐसे पूछ सी लेकर किसको किसको अच्छा लगेगा बताओ। ऐसे बाल कम से कम हो तो ये अच्छे लगे, ठीक है, चोटी बनाने में, हेयर स्टाइल करने में, या खुले भी रखो तब भी अच्छे लगते हैं यार, ठीक है। हेयर सब सो मच इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जिन्हें बाल कलर करने का शौक है। एग्जैक्टली, ठीक है, मैं बाल कलर करना इसीलिए छोड़ चुकी हूँ क्योंकि भैया ये पूछ रह गई है, ठीक है, वही केमिकल वगैरह से जो भी नुकसान होता है, ठीक, तो उसकी वजह से आई क्विट कलरिंग माई हेयर। यस, मैंने कलर करना छोड़ दिया पूरी तरीके से। खैर, पूरब झा भाई, तू क्या खाता है नाश्ते में?
तू क्या खाता है खाने में? किसी की भी वॉइस हो, किसी की भी एक्टिंग हो, ऐसा मैंने शुरुआत में कहा नहीं था कि हाँ ये बंदा जिस किसी का भी कैरेक्टर करता है उसे निगल जाता है पूरी तरीके से, जस्ट सेम। और बिंदु जी दोस्त की बंदी के साथ दो का है, दोस्त के साथ दो का, दोस्त की बंदी के साथ ही सेटिंग कर ली, बड़ी गलत बात है। तुम्हारी मल्टीपल जो ये लैंग्वेज डिसऑर्डर था, ठीक है, वो तो तुम्हारा वो तो साइड में चलो, वो तो बर्दाश्त भी हो जाएगा, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता यार। बहुत ही गजब की वीडियो थी, इतना सुंदर जंगल, ठीक है, इतनी सुंदर हरी भरी जगह, और दिल्ली वालों पे भी बहुत अच्छा खासा टॉन्ट किया गया है। दिल्ली वालों पे क्या, मोस्टली ऐसे शहरी लोग, ठीक, जो अपने यहाँ तो आसपास हर एक घास का तिनका तक नहीं उगने देते हैं, है ना, कुछ भी नहीं, अपने यहाँ बिल्कुल सफा चट एकदम रेगिस्तान बना लेंगे, उसके बाद चलो यार चलते हैं थोड़ा हिल स्टेशन, जंगल अंगल घूम कर आते हैं, है ना, वहां की भी माँ भेड़ करके आते हैं। साले चिप्स के पैकेट, बोतलें, पानी नेचुरल नहीं पियेंगे, बिस्लेरी की बोतल से ही पियेंगे, ठीक है, बिस्लेरी की बोतल से पियेंगे और वो बोतल वहीं फेंक देंगे। आप देहरादून चले जाओ, किसी भी हिल स्टेशन पे चले जाओ, ठीक है, ज्यादातर आपको प्लास्टिक का कचरा ऐसे ही लोग फैलाते हुए मिलेंगे जो कहते हैं आई एम अ नेचर लवर। वे नेचर लवर है तो नेचर को बचा साले, क्या कर रहा है तू, है हद हो गई। अगर आपके पास जमीन वगैरह नहीं है आपके घर में भी, तो आप गमलों में उगा सकते हैं, गमलों में उगा सकते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, अपनी सब्जी बहन तो खुद उगा लो, कम से कम बाहर की केमिकल वाली सब्जियों से फ्री रहोगे, लेकिन नहीं, उतनी मेहनत करे कौन, है ना, उतने तो पैसे छाप लेंगे, बाहर से केमिकल वाले हम फल सब्जी ले आएंगे, और आई एम वेरी हेल्दी पर्सन, मैं ये खाता हूँ, ये खाती हूँ, ये घुस जा। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।